नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो सभी यूट्यूबर के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सभी यूट्यूबर के पास बोया बाय M1 माइक का यूज जरूर करते होंगे, सभी को यूज करते होंगे। क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो ओनली बोया बाय M1 माइक के बारे में जो है फुल डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप यूज नहीं करते हैं बोया बाय M1 माइक, अगर दूसरा कोई माइक यूज करते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ शायद इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब तक आप लोग के पास जो भी मतलब बोया M1 माइक के का प्रॉब्लम आप लोग के पास आया होगा या फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों सभी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा और अच्छा से जानेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, मैं गारंटी लेता हूं इसका। दोस्तों इस माइक में अधिकांशतः प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जैसे तार को जो है मूसा काट दिया, या नहीं तो ये जैक का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ठीक है, या नहीं तो माइक का प्रॉब्लम आता है, नहीं तो इसका प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वो भी रेयर केस में, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम तो दोस्तों वायर का आता है, नहीं तो इसका प्रॉब्लम आता है। तो सभी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहें और अंत तक तो जरूर देखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, सबसे पहला तो आप अगर आपका जैसे फोन में जैसे लगाएं आप, ठीक है, तो आपका जैसे छोड़ता पकड़ता है तो आप तो आपको तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जैक को कैसे बदलेंगे तो मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आपका तार अगर कटा हुआ है, कोई भी तार, ठीक है, कहीं से भी कटा हुआ हो तो आप तो काट के जो है, इसमें मात्र दो तार होता है दोस्तों, ठीक है, एक बात जान लीजिए आप, क्योंकि इसमें जो चार गो होता है दोस्तों, तो इसमें जो है चार गो में सारा का काम होता है, ये ऑडियो के लिए रहता है, इसको लेफ्ट ये राइट, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये लेफ्ट ये राइट, फिर ये ग्राउंड, ये माइक होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ माइक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें मात्र दो तार यूज होता है, एक ग्राउंड होता है ये, एक माइक होता है, ये दोनों फुल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका ये अगर जैक भी खराब है दोस्तों, तो कोई भी आप जैक जो है काट, जैसे फोन का ही, जैसे ईयरफोन जैक आता है ना दोस्तों, यानी तो मार्केट में भी आपको उपलब्ध है, तो अगर ये वहां से लगा सकते हैं, नहीं तो दो तार तो है ही, और नहीं तो अगर इसका भी आप जो है, जैसे ये ईयरफोन का जैक है, इसको भी आप जो है काट के जो है आप रीडिंग चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अधिकांशतः तो दोस्तों ये गोल्डन जो है दोस्तों, ये जो है ग्राउंड आता है, ठीक है। तो आप जो है लाइफ टेस्टर के बारे में तो सुने ही होंगे, और मेरे ख्याल से सभी यूट्यूबर जो है लाइफ टेस्टर को परचेज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, यही लाइफ टेस्टर है दोस्तों। हम लोग के पास तो मल्टीमीटर वगैरह सारा है, क्योंकि जब जो चीज का जरूरत पड़ता है दोस्तों, ठीक है, उसका काम में ले लेते हैं। तो आप इसमें जो है दोस्तों, ये जो है आपका रैपर रहता है ईयरफोन का, अगर जैक अगर काटेंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत क्या होता है बोलते हैं कि यहाँ से काटने के लिए, ठीक है, यहाँ से रैपर उखाड़ देने के लिए, उसके बाद सोल्डिंग करने के लिए, तो दोस्तों आप वहां से मत कीजिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं से भी तार इसका कटा हुआ है तो आप ईयरफोन का भी थोड़ा दूर से तार काट लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप तार को चेक करेंगे कि कौन किससे कंटिन्यूटी बता रहा है। तो आप देखिए ये तो माइक का है, लास्ट सबसे लास्ट वाला माइक का होता है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। तो देखिए ये जो है आपका ये ब्लू वाला माइक का है, ठीक, उसके बाद आपका ये जो है ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड आई थिंक ये होना चाहिए, देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये दोनों तार जो है दोस्तों आपका काट के जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर ये माइक का प्रॉब्लम आ जाए, अगर इसका प्रॉब्लम आ जाए दोस्तों, तो यहाँ से जो है आप यहाँ से काट के, ठीक है, ब्लेड से जो है दोस्तों, यहाँ से काट के जो है आप जो है माइक को देख सकते हैं कि वहां पे जो है ये तार कहीं तो खराब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लाइव टेस्टर के बारे में रिकमेंड इसलिए किए दोस्तों कि आपको छोटा मोटा काम तो कितना मिस्त्री के पास जाएंगे, छोटा मोटा तो खुद करना पड़ेगा ना, और मिस्त्री को जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपसे पैसा लेगा ही, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर यूट्यूब बनने वाले हैं, ठीक है, या बन गए हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज इसके बारे में रखना ही पड़ेगा। तो आप जो है कैसे चेक करेंगे तार वगैरह, तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ठीक है।
देखिए इसको खोलने का क्या कंडीशन है, क्या नियम है दोस्तों, ये भी देख लीजिए सर। ये तो आराम से खुल जाता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ बैटरी के बारे में भी दोस्तों बता देते हैं आपको। इसमें बैटरी जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, तो होता क्या क्या है कि जैसे कैमरा से जो यूज करते हैं, जैसे ये तो आपका ये ऊपर वाला हो गया दोस्तों स्विच है, ये ऊपर वाला कैमरा हो गया, नीचे से माइक हो गया, ठीक है। तो बैटरी जो लगाते हैं तो सिर्फ कैमरा अगर यूज करते हैं तो भी बैटरी लगेगा, नहीं तो ऐसे बैटरी नहीं लगा हुआ है तो आप माइक से जो फोन से जो यूज करेंगे तो विदाउट बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। आपको तो पता होना चाहिए अगर यूज करते होंगे तो। अगर बैटरी का कंडीशन मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर बैटरी आपका डाउन हो जाए, ठीक है, और आपका वीडियो जल्दी में है, आपका बगल बगल में बैटरी मिल भी नहीं रहा है दोस्तों, तो आप बैटरी को क्या करेंगे दोस्तों, बैटरी का जो है कटा हुआ चार्जर होता है ना दोस्तों, कटा हुआ चार्जर जो है प्लस माइनस बैटरी में आप शॉर्ट करके रखेंगे दोस्तों, ठीक है, बैटरी कटा हुआ चार्जर का, समझ रहे हैं ना। तो बैटरी को प्लस माइनस हटा देंगे तो आपका बैटरी जो है फिलहाल कुछ चार्ज हो जाएगा, आपका काम जो है काम हो जाएगा दोस्तों, काम रुकेगा नहीं। फिर आराम से कोई भी वॉच दुकान में या कोई भी वॉच उच का मिस्त्री जो है दोस्तों, उन लोगों के पास वो बैटरी रहता ही है, आप वहां जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, बैटरी दिखाएंगे वो मिल जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा आराम से ही खोलना पड़ेगा, और देख लीजिए कैसे खुलता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, अब ये बाहर आएगा नहीं दोस्तों, ये जो बटन है दोस्तों, ये बटन को जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो खींच सकते हैं, हाथ से तो खींचा नहीं रहा दोस्तों, तो ये प्लास से निकलेगा, तो प्लास से निकाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों ये स्विच निकल गया दोस्तों आराम से, अब जो है दोस्तों ये जो है आराम से आपका ये निकल गया है, ये स्विच में लगा हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि आपका तार वगैरह भी ठीक है, सबसे पहला तो इतना जान लीजिए तार को चेक कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बता देते दोस्तों। तो अगर आपका ये तार वगैरह पूरा सही है, कोड भी सही है, तार भी सही है, तो इसका स्विच में भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और ये सब शायद यूट्यूब पे अभी तक मैं ऐसा कोई वीडियो मतलब डाला हुआ नहीं है, तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्विच जो है दोस्तों, अगर कैमरा से यूज करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ये दोनों जो स्विच है ना, स्विच का दोस्तों ये दोनों पॉइंट जो है दोस्तों, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो शॉर्ट करता है, अगर इस इधर स्विच करेंगे दोस्तों, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करता है, और इसका ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करता है। तो आप जो है दोस्तों मतलब स्विच भी बदल सकते हैं, या नहीं तो आप जम्पर मार दीजिएगा, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर मोबाइल से करते हैं तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसमें भी जम्पर मार दीजिएगा, जम्पर मतलब तार, एक दूसरे का तार जो है दोस्तों, तार यहाँ भी सोल्ड कर दिए सोल्डिंग आयरन से, यहाँ भी सोल्ड कर दिए, यहाँ भी सोल्ड कर दिए, तो जम्पर हो गया दोस्तों, तो आपका काम कर जाएगा। अगर कैमरा से यूज करते हैं दोस्तों, तो आपका ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट और ये साइड वाला पॉइंट, इसमें सटा दीजिएगा, और इसका बीच वाला पॉइंट, इसका साइड वाला पॉइंट शॉर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो है काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर बाद में आप जो है रिपेयर शॉप में जाके आप बदलवा सकते हैं, अगर स्विच आपके पास रहता है तो खुद से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इसके देखिए दोस्तों, अगर होता है कि इसके अंदर ही ना तार लगा हुआ रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे तो नट है दोस्तों, ये नट खोल के, जो नट खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये माइक अगर काम नहीं कर रहा है तो देखिए इसमें क्या है कंडीशन, देखिए दोस्तों माइक का जो है दोस्तों, ये दो तार है मात्र, माइक का दो तार तो होता ही है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ये आपका माइनस, ये देखिए दोस्तों ये तार हो गया दोगो, और आपका एक ये ज्वाइंट, यहाँ ज्वाइंट है, एक यहाँ ज्वाइंट है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये तार अच्छा है कि खराब है, ठीक है दोस्तों, तो आप जो है बता देते हैं, आप यहां से जो है आराम से तार को खोल लीजिए, एक तार को, ठीक है, खोल लिए हैं। उसके बाद किट में लगा हुआ रहने लगे हुए रहने से दोस्तों चेक नहीं आएगा, सही से चेक नहीं होगा दोस्तों, सही से कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं बीप रेंज से, ठीक है दोस्तों, या नहीं तो लाइट टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, ये लाइट टेस्टर से, देखिए आप लाइट टेस्टर से जो है आप एक यहाँ तार सटाएं दोस्तों, और ये एक यहाँ तार सटाएं, देखिए दोस्तों हल्का लाइट जल रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये तार यहाँ तक जो है दोस्तों कंटिन्यूटी पूरा सही है। किसी किसी में होता है कि आवाज कम भी जाता है, मतलब बहुत पुराना हो जाने के बाद आवाज कम जाता है, ठीक है, तो आप माइक को डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, कोई अच्छा सा माइक लगा दीजिए, या नहीं तो आपके पास सैमसंग का ईयरफोन होगा दोस्तों ओरिजिनल वाला,
या मतलब एमआई का या कोई भी कंपनी का ईयरफोन अच्छा वाला है दोस्तों, ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी उसका माइक का, आवाज का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो आप आराम से लगा दीजिएगा दोस्तों तो एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। अब मेरा ये प्रैक्टिकल किया हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से जो है दोस्तों ये तो आपको चेक करके बताएं दोस्तों, फिर से आप इसको सोल्ड उसी जगह कर दीजिएगा। और जैसे आपको चार दोस्तों चेक किए हैं, ठीक है, अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो आप जो है यहाँ से खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा कुछ बीमारी आता भी नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो विशेष चीज हो जो ज्यादा प्रॉब्लम हो या ठीक नहीं हो, ऐसा कुछ इस समय होता नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो दोस्तों आप यहां से भी तार का कंटिन्यूटी दोस्तों चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी जो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों इसमें जो है तीन तार दिया हुआ है, ठीक है, मगर आपका दो तार से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीन तार दिया हुआ इसीलिए है कि एक तो आपका एक तो ग्राउंड तो है ही दोस्तों, ठीक है, और एक तो माइक का है ही, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ठीक है एक लेफ्ट राइट का ऑडियो का भी दे दिया होगा दोस्तों, मगर ऐसे नहीं भी देगा दोस्तों चलेगा। आप अगर आपके पास जैसे तार खराब हो गया, अगर दूसरा तार चेंज करेंगे तो दोस्तों आप ये भी दो तार भी लगा देंगे तो वर्क करेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों माइक और ग्राउंड का ही ना मेन आता है ना, तो आप तो जानते हैं कि दोस्तों ये माइक का एक ग्राउंड का है, तो इसमें भी काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं दोस्तों, अगर इसमें तार चेक करना है दोस्तों तो लाइव टेस्टर में बता देते हैं कैसे चेक करना है आपको। देखिए दोस्तों जैसे ये हो गया माइक का, ये सबसे लास्ट वाला माइक का होता है दोस्तों, यहाँ से जो है यहाँ से आपका यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों, ठीक है, अगर नहीं बता किसी में नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों, तो जान जाइएगा तार खराब है। अगर तार आपका देखने में सही भी लग रहा है दोस्तों तो भी खराब होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं कहीं हल्का हल्का काट के जो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब वो कंटिन्यूटी आ रहा है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, हाँ अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, जहां तक होगा आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, थैंक करें दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।